आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज हमारे प्रोग्राम में पहली मर्तबा शरीक हो रहे हैं अभिषेक निशानी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू आलिया जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड फॉर योर व्यूअर्स आई हैव बीन वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम, सो आई एम योर सब्सक्राइबर टू। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। ये हम आपको व्यूवर्स बताते चले कि ये बड़े ही पढ़े लिखे और बहुत काबिल इंसान है। यानी इन्होंने स्विट्जरलैंड से भी मास्टर कर रखा है, फिर उन्होंने सिंगापुर वहां की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। खास तौर पर जो एक यूनाइटेड नेशंस का ट्रिब्यूनल था उसके अंदर भी ये काम करते रहे। और इसके अलावा ये लॉ के भी एक्सपर्ट हैं, जियो पॉलिटिक्स पर भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि आपसे जरा मैं यही बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त इस रीजन में भी और दुनिया में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कोई रोकने वाला नहीं है। उन पे कोई बात तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो रुक पाए। और उसमें फिर जब हम खास तौर पर अपने रीजन को देखते हैं तो हम बात करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान और इंडिया की। तो क्या आप समझते हैं कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने या कम से कम आगे दूर ले जाने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ये कंट्रीज मिलकर कुछ कर सकते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता? आलिया जी, क्वेश्चन बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है और आई थिंक कि इस पे तो थीसिस लिखी जा सकती है 8-10, कि कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाए, रेगुलेट किया जाए। और असल में होता ये है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टडी करें, डिफरेंट डिफरेंट जो हॉट स्पॉट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उन सब का नेचर बहुत अलग अलग है। जैसे यूक्रेन और रशिया का नेचर एकदम अलग है कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया के जो आप रीजन में देखे, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका नेचर एकदम एकदम ही अलग है, कोई कंपेरिजन नहीं है। उसके बाद आप अफ्रीका में देख लें, उनका नेचर अलग है। मिडिल ईस्ट में देख लें, पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या यमन सऊदी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या ईरान और इराक कॉन्फ्लिक्ट हो, सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो, सबका नेचर बहुत अलग अलग है। तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला मतलब सजेस्ट करना, या उसको थ्योरेटिकली, गिवन दैट इट्स अ सोशल साइंस, इट्स नॉट एन अप्लाइड साइंसेस, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि इसकी कोशिश तो 1919 से बार बार की जा रही है। पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया, उसका पर्पज ही यही था कि हाउ टू प्रिवेंट वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद यूएन चार्टर बनाया गया। तो यूएन चार्टर इज अ बॉडी, या ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, नॉर्म मेकिंग डॉक्यूमेंट है, जिसका पर्पज है कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट नॉट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, उसको वो रोक सके, प्रिवेंट कर सके। तो अगर आप यूएन चार्टर की स्टडी करें तो उनका आर्टिकल 1 हो गया या आर्टिकल 2 हो गया। 1 इज द पर्पज ऑफ यूएन चार्टर, 2 इज द प्रिंसिपल टू अटेन दोज पर्पजेज विच आर इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन चार्टर। तो आपको इसमें वो दिखता है कि वो 5-6 चीजें वो बार बार रिपीट करते थे उनके हिसाब से, बिकॉज 1936 का कॉन्फ्लिक्ट या 1915 में जो कॉन्फ्लिक्ट, यानी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उनका रीजन ही दूसरा था। तो यूनाइटेड नेशन का अप्रोच भी उसी हिसाब से था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रमोट करेंगे, नेशन स्टेट को लाएंगे, इंपीरियलिज्म को खत्म करेंगे। इस तरीके से फिर उनका ये था कि अगर नेशन स्टेट क्रिएट कर दिए जाए और ये इंपीरियलिज्म को रोल बैक किया जाए, खासकर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को, तो वो बहुत हद तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को, या कमिटी ऑफ नेशंस को अप्रूव वो प्रमोट करेगा। और वो काफी हद तक हुआ भी, क्योंकि आज आप देखें जो इंटरनेशनल वॉर जैसी मल्टीपल स्टेट का जो जो पार्टिसिपेशन होता है, या वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन तो आपको नहीं दिखती है कहीं करने में। यूक्रेन में हो सकता था, लेकिन सारे EU कंट्रीज ने स्टेप डाउन कर दिया कि वो तो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, या वो किसी भी तरीके का पर्सनल पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, इसको यूक्रेन और रशिया ने खुद से लड़ना है। सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गया, यूएन का मैकेनिज्म फेल हो गया। वो बहुत एकेडमिक डिबेट हो जाएगी कि जो मैकेनिज्म कार्व आउट किया गया इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, वो मैकेनिज्म क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ। उसमें वन ऑफ द रीजंस थी, अगर आप चाहें तो, वन ऑफ द रीजंस थी कि जो उस समय के नेशनल पावर थे या पावरफुल स्टेट्स थे, फ्रांस था, यूके था, रशिया था, चाइना था और अमेरिका था, वो आज जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी बदल चुका है। यूके कहीं से भी वर्ल्ड पावर नहीं है आज की डेट में, फ्रांस कहीं से भी वर्ल्ड पावर नहीं है आज की डेट में। यूरोपियन पावर हो सकते हैं दोनों मिल देश मिलकर, बट वर्ल्ड पावर तो नहीं है। फिर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है अफ्रीका से,
आपका रिप्रेजेंटेशन बैलेंस नहीं है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि जो अमेरिकन हेमिस्फीयर वाला एस्पेक्ट है, और उसी तरीके से इंडिया जो एशिया में जो रियल पावर है वो इंडिया और चाइना के पास है। इंडिया के रिप्रेजेंटेशन के बिना चाइना यूनाइटेड नेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है सिक्योरिटी काउंसिल पे हो नहीं सकता। दैट नीड्स रिफॉर्म, उसके लिए कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे अक्सर ये बयान आते रहते हैं कि चार कंट्रीज को उसमें अकोमोडेट किया जाना चाहिए एज परमानेंट मेंबर, उसमें इंडिया है, जापान है, जर्मनी है और ब्राजील है, इन चारों कंट्रीज की बात ही चल रही है। बट फिर वही हो जाएगा वो, बिकॉज जो यूएन चार्टर को अमेंड करने की जो प्रक्रिया है दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो मेरे ख्याल से यूएन एज ए सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुल, वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, और उसका ये भी नतीजा हुआ कि जो स्टेट्स थे उन्होंने ये माइंड बना लिया है कि वॉर अब हम नहीं करेंगे। इवन रशिया ने भी किया है यूक्रेन के ऊपर, वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वाला वॉर नहीं था, रशिया को मजबूर किया गया, एटलीस्ट रशियन परसेप्शन ऑफ उनकी सिक्योरिटी की, नाटो का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूदगी है, उसके बाद नाटो का क्या रिलेवेंस है आज की डेट में, ये वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अमेरिका वाले कि आप क्यों नाटो चाहते हो जब आप सिक्योरिटी काउंसिल क्रिएट कर चुके हो। सिक्योरिटी काउंसिल का प्रिंसिपल पर्पज है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, देन व्हाई टू क्रिएट एन आर्म्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज नाटो। नाटो ने क्या अभी तक अचीव किया सिवाय डिस्ट्रक्शन के, उन्होंने कोई अचीव नहीं किया। और अगर आप नाटो नहीं होगा तो परहैप्स सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इफेक्टिवली काम कर भी सकेगा। तो अब नाटो का जो एक 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 फियर है वो दिखता है रशिया में, जैसे इंडिया का फियर पाकिस्तान में दिखता है, पाकिस्तान का फियर इंडिया में दिखता है, चाइना का फियर इंडिया में दिखता है, इंडिया का फियर चाइना में दिखता है, एक परसेप्शन का तो है ही यह ये फ्लैश पॉइंट ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण क्या हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन है, जियोपॉलिटिक्स रीजन है, डिस्ट्रस्ट है, मल्टीपल आइडियोलॉजीज का फ्लोट करना है, उन आइडियोलॉजीज के बीच में कोई रिकंसिलिएशन होने की संभावना नहीं है क्योंकि इतनी एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज हैं, वो सब रीजंस हैं। तो दैट्स अ वेरी एकेडमिक डिबेट, बट वी कैन नैरो इट डाउन टू आवर ज्योग्राफिकल रीजन कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, अगर इसकी स्टडी की जाए, हाउ कैन वी ब्रिंग इन पीस। यस, माय सेकंड क्वेश्चन इज के जब हम इस रीजन में आते हैं जैसा आपने बात की, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया आगे भी बढ़ रहा है, उसमें कहा जाता है कि एक बड़ा फैक्टर जहां और बहुत से फैक्टर्स, उसमें बड़ा फैक्टर एक फॉरेन पॉलिसी भी है, तो क्या वजह है कि ये आप क्या समझते हैं कि वो कौन से बेसिक फीचर्स हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी के जिसने आपको आगे बढ़ने में जो है वो मदद दी है, और आपके सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं, जिनके साथ बड़े खराब हुए हैं वो भी आपके कंट्री में आते रहते हैं, उनके साथ भी आपकी ट्रेड होती रहती है, लेकिन जबकि हम इस तरफ देखते हैं तो ऐसा नहीं है, आपके ख्याल में वो कौन सी एक, अगर आप कुछ फीचर्स बताना चाहें। देखिए फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें वर्ड फॉरेन है बट एवरीथिंग इंटरनल है, देयर इज नथिंग फॉरेन अबाउट फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी इज अ टूल टू एक्सटेंड योर इंटरनल इंटरेस्ट। सो आपको आपके इंटरनल इंटरेस्ट की बहुत सही जानकारी होनी चाहिए या एकदम एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो जाती है कि फॉरेन पॉलिसी में जो आपका पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को कैसे देखता है, ये भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है। फॉर एग्जांपल यदि आपका जो नेशनल लीडर जो है या नेशनल जो सीईओ है, एग्जीक्यूटिव सीईओ, वो अगर कोई डॉक्टर है तो वो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी दुनिया को देख रहा होगा, बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू, एपिडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुनिया का उसी हिसाब से देखता है। अगर जर्नलिस्ट है तो वो दुनिया को उसी हिसाब से देखता है, अगर लॉयर है तो उस हिसाब से देखता है, अगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर है तो वो दुनिया को उसी हिसाब से देखता है। ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है बिकॉज बाकी सब चीजें उसको पता नहीं होती है, और ना ही वो जान सकता है ना ये इंसान के लिए संभव है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी खास ये बात ये रही कि एवरीवन न्यू कि हमें इंडियन इंटरेस्ट क्या है, ये तो हमें सबको पता था। उस इंडियन इंटरेस्ट की मैनिफेस्टेशन का अंतर हो सकता था बट एवरीवन न्यू कि भैया हमें करना इंडियन इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट है, तो हमें वहीं जाना है जो हमारे इंडियन इंटरेस्ट के साथ अलाई करते, ठीक है ना। पाकिस्तान में क्या हुआ कि वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट कभी उनको पता ही नहीं चला। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम क्रिएशन में इतनी प्रॉब्लम है कि इफ यू आस्क समवन कि भाई व्हाट इज पाकिस्तान, तो उसका जवाब उनके पास है ही नहीं, और अगर है तो वो इतना इतना शैलो है, इतना वो जिसे जिसे कह लीजिए अनसाइंटिफिक है कि आप उस पे अगर क्वेश्चन पूछने चाहें तो फिर आप उसको क्वेश्चन पूछने की वो देंगे नहीं जगह, बिकॉज कि उसके उसमें आंसर दिए नहीं जा सकते हैं। तो अब इंडिया की अगर आप डेफिनेशन पूछे, एवरी रूलर बीट नेहरू और बीट मोदी, दे आर आइडियोलॉजिकली पोर्ट सपाट, लेकिन दोनों ये बात जानते थे कि ये एंशियंट लैंड है, प्लूरैलिटी इसकी एसेंस है,
ये जो है ये एक धर्म बेस्ड देश है, यहाँ पे पंथ या रिलीजन का कोई रोल नहीं हो सकता। धर्म इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको आप रिलीजन कहते हैं, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट अब्राहमिक फेथ हम लोग कहते हैं जिसको। उन दोनों में ये जो थी कि हमें प्लुरालिटी को प्रमोट करना है, हमें फ्री सोसाइटी को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक सोसाइटी को, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके हमारे यहाँ 1991 तक थोड़ी एक डिफरेंट अप्रोच था। फिर लेकिन कांग्रेस ने ही उसको फिर रोल बैक किया, जो था कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है और एक्सटर्नल जो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर ईविल, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना देंगे, फिर से कॉलोनाइज हो जाएंगे। इंडिया ने इसको शग आउट किया, इसको इसको उखाड़ के फेंका 1991 में, जब उन्होंने कहा कि नहीं, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर वेलकम और हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं। वो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का सिनेरियो जो है उसको इफेक्टिव लॉज एंड रेगुलेशंस के द्वारा हम अवॉइड कर सकते हैं। ये इंडिया को समझ में आ गई 1991 में। सो दे हैव बीन कैटेगोरिकली प्रमोटिंग देयर इंटरनल इंटरेस्ट। क्या है डेमोक्रेसी? मीन्स वी वॉन्ट फ्री सोसाइटी। डेमोक्रेसी मीन्स फ्री सोसाइटी। अगर आपकी सोसाइटी फ्री नहीं और आप डेमोक्रेसी के लिए पिच कर रहे हैं ना, तो आप खुद को फ्रॉड बता रहे। डेमोक्रेसी इज नॉट इलेक्शन। इलेक्शन इज, अगर आप इलेक्शन कहेंगे ना लोकतंत्र में या लोकशाही में, या आप उसको जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत में जो इलेक्शन है वो वन ऑफ द कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है। जैसे आप इलेक्ट करके किसी अगर डिस्पॉट को ले आए तो वो उस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो जमहूरियत है ना, वो एक कल्चरल फिनोमिना है, ये एक पॉलिटिकल फिनोमिना नहीं होती। अगर आप जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले आपको कल्चरल रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस तोड़ना पड़ेगा और अपनी सोसाइटी की जो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेकर के उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे आप देखें यूरोप में जिसको वो रेनेसां कहते हैं, एक दिन में डेमोक्रेसी नहीं आ गई, एक दिन में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ गई। पुनर्जागरण मतलब उन्होंने शेक किया कि गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो डिवाइन नहीं हो सकती, क्योंकि पहले क्या होता था, रोमन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर, तो वो गॉड से ले रहे अपनी वैलिडिटी। कोई भी आ रहा है वो उठ करके कहीं से भी चला आ रहा है, बोला कि हमें गॉड ने परमिशन दिया। सेंट्रल एशियन वाले उठे, यहां चले आए, बोले हम गॉड के नाम पे आए। फिर उसी गॉड के नाम पे अरबों को ही मारा, जो बेचारे जिन्होंने उनको बताया कि ये गॉड कौन है, उन्हीं को कॉलोनाइज कर दिया। तो यूरोप को ये बात समझ में आ गई कि डिवाइन सॉवरिनिटी का जमाना जा चुका है, जमाना है पॉपुलर सॉवरिनिटी। पॉपुलर सॉवरिनिटी का बेसिक क्राइटेरिया होता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करता है कि उस देश के लोग जिसे चाहेंगे अपना राजा चुनेंगे, अपना नेता चुनेंगे। ठीक है ना, वो राजा चुन सकते हैं, नेता चुन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे इलेक्शन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। जैसे आप देख ले यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है और राजा भी है। हमारे यहाँ तो राजा को इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, रिपब्लिक इंट्रोड्यूस कर दिया। यूके ने कभी रिपब्लिकिज्म को नहीं एक्सेप्ट किया, वो आज भी अपने आप को मोनार्की कहते हैं। स्वीडन है, इस तरीके के डेनमार्क है, कई देश हैं जो मोनार्क्स हैं। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को ये बात बहुत पहले से पता थी और इंडियन एंशियंट फिलोसफी भी इतनी ज्यादा रूटेड थी, डेमोक्रेसी उसका पार्ट था कि इनइक्वालिटी भले कास्ट के नाम पे लोगों ने उसको फैलाया कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, शूद्रों के साथ खराब खराब ट्रीटमेंट किया जाता है, बट वो सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो उसको सोशियोलॉजिकल आप फाइट कर सकते थे, फिलोसफिकली कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आप फिलोसफी को जाके सही एनालाइज करेंगे तो फिलोसफी सही आइडिया थी, सोशल ऑर्डर का क्रिएशन जो किया गया था वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ गई। तो दैट्स व्हाट यू से दैट फिलोसफी व्हेन इट गेट्स अप्लाइड बिकम सोशियोलॉजी। तो फिर सोशियोलॉजी अगर उस फिलोसफी को सही नहीं समझ पा रही है तो वो गलत रिजल्ट देना शुरू कर देती है। तो इंडिया में फिलोसफी क्लियर थी सारे रूलर्स को, उन्होंने जानते थे कि हमें प्लूरलिज्म को प्रमोट करना है, इंडियन वेलफेयर को प्रमोट करना है, इंडियन इकोनॉमिक को प्रमोट करना है, इंडियन आइडेंटिटी को प्रमोट करना है। इंडियन आइडेंटिटी एंशियंट है, रूटेड है कल्चरल लोकल में। ये सारी चीजें हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स को पता थी, उन्होंने इसको जो है मैनिफेस्ट किया। इसलिए जब ये कैपिटलिज्म और इसके बीच में दुनिया बटी, उन्होंने कहा कि ना हमें कैपिटलिज्म से प्रॉब्लम है, ना सोशलिज्म से प्रॉब्लम है, ना हम इनको प्यार करते हैं, ना इनको नफरत करते हैं, हम एक अपना खुद का वो बनाएंगे, बिकॉज वी हैव कैपेबिलिटी टू गिव आवर ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। हमें डिपेंडेंट नहीं है कि आप नहीं बताओगे तो हमें पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होता क्या है। सो वी हैड गॉन फॉर नैम। आज भी आप इंडिया देखिए वही कर रहा है। इंडिया ना तो कंप्लीटली यूएस के रास्ते में जाता है, ना तो कंप्लीटली रशियन रास्ते में जाता है, वो बीच में रहता है। ना तो वो ये कहता है रशिया से कि अगर इनसे बात करोगे तो हमसे बात मत करो, हमसे भी करोगे तो उनसे बात मत करो। उसका एक रीजन ये है कि जितने भी रूलर्स आते हैं ना हमारे यहाँ पे, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होके आते हैं, तो उनको ना पता होता है कि कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना होता है, विच एसेंशियली बिकम्स लेटर ऑन फॉरेन पॉलिसी।
कि भाई अमेरिका का थॉट प्रोसेस कुछ है, रशिया का थॉट प्रोसेस कुछ है, चाइना का थॉट प्रोसेस कुछ है, इनको कैसे आप बैलेंस करोगे। और डेमोक्रेसी में आप ये इसकी आदत डाल देते हो, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इतना आसान नहीं होता, जो वोटर है आपको हर तरह के वोटर मिल जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इंडियन ये जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर रहती है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी उतनी ही क्लियर होती है, ये उस जगह नहीं जाएंगे जो इनको नहीं समझ में आती कि भैया ये हमारे इंटरेस्ट में होगा। इसलिए बुश ने जब कोएलिशन ऑफ आर्मी बनाई है अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए वॉर ऑन टेरर को, which was basically war on jihad because it was against al-Qaeda, it was not against a state. So basically, जब उन्होंने war on, अगर ये analysis पाकिस्तान किया होता ना, तो पाकिस्तान कभी भी war on terror में नहीं जाता. It was effectively against war on al-Qaeda. War on al-Qaeda means al-Qaeda was waging a jihad against West. आपको ये analysis करने के बाद ही पता चलता कि भाई ये हमारे conflict, हमारी जो understanding of the world है, उससे ये conflict में आ रहा है, हम इसके part नहीं बन सकते. तो आप उसको में नहीं जाते, लेकिन आप वो शब्दों के एनालिसिस के बिना वॉर ऑन टेरर के ट्रैप में फंस गए, आप उस कॉन्फ्लिक्ट में चले गए जिस कॉन्फ्लिक्ट में आपको ये नहीं पता था कि हम बेसिकली जो एनिमी हमारा है और जो एनिमी हमारे अलाई का है वो सेम एनिमी है कि नहीं है, एंड दैट क्रिएटेड अ डुअलिटी। वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का डिजास्टर था कि आप अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक भी कह रहे हो और अलकायदा से भी आप जो आपको आप ये भी कह रहे हो कि ओसामा बिन लादेन हमारे आइडियल हैं और ओसामा बिन लादेन को मानने वाली टीम के साथ भी आप लड़ रहे हो, तालिबान को आप सपोर्ट भी कर रहे हो और तालिबान के लोगों की टिप ऑफ भी कर रहे हो। इससे आपने अफगानिस्तान अफगानिस को भी अपने अगेंस्ट में बनाया, अमेरिकन को भी आपने डुअलिज्म का अपने उसे शिकार बनाया। उसकी रीजन ये थी नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल इंटरेस्ट, कोई लोकल आइडिया ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाट द रीजन कि आपकी फॉरेन पॉलिसी तब तक नॉर्मल नहीं होगी जब तक पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान होना क्या चाहता है, इसकी क्लैरिटी आपके पॉलिटिकल थिंकर्स, एजुकेशनल थिंकर्स, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स बैठ के क्लियरली बताते नहीं है। तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट आप आपके देश में इंटरनली भी चलेगा और एक्सटर्नली भी चलेगा। इंडिया में ये चीज कभी प्रॉब्लम में उतनी नहीं आई बिकॉज ये हजारों साल का कल्चरल आइडेंटिटी था, तो लोगों को क्लियर था कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर सक्सेसफुल। और ये प्लुरैलिटी को मेंटेन करने का जो इंटरनल प्रैक्टिस होता है वो जब एक्सटर्नल मैनिफेस्ट होता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एरोगेंस नहीं होता। आप कभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर मोदी को गाली देती हैं, साउथ इंडिया के चीफ मिनिस्टर मोदी को गाली देते हैं, बट स्टिल वो ऑल चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, एक दूसरे को मैंगो भी देते हैं, शाल भी भेंट करते हैं और फिर पब्लिक में जाके कहते हैं ये तो बदमाश आदमी है, इसको वोट मत दो। लेकिन फिर वो जब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना होता है इकोनॉमिक मैटर्स पे करते हैं वो। तो ये इतनी आदत हो चुकी होती है ना कि डाइवर्सिटी को हैंडल कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को हैंडल कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को पर्सनल एनिमोसिटी नहीं बना देना। अगर मेरे इंटरेस्ट किसी के साथ टैली नहीं हो रहे, इट डजंट मीन दैट पर्सन हैपेंस टू बी माय आर्च राइवल। तो ये जो ट्रेनिंग है ना डेमोक्रेसी की, फेडरलिज्म की, वो इनको बहुत स्टाउट बना देती है टू हैंडल, टू परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल। अभी तक एक चीज कमी थी, इंडिया बहुत रेटिसेंट होता था, डरता था, अपनी बात रखने में डरता था, या हम लोग भी फील करते थे। हमारी सोसाइटी में राम राम एक ग्रीटिंग है जो सदियों से चले आ रही है। हम इसलिए कहना बंद कर दिए क्योंकि किसी को ये लगता है कि राम तो कोई भगवान नहीं थे, तो राम राम ग्रीटिंग ही क्यों हो सकती है। भाई अगर आपको प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सदियों से चला है कि राम राम इज अ वे टू ग्रीट पीपल। आज भी कहते हैं, इवन जब कोई मर जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम इज इनग्रेन्ड इन आवर ब्लड, ठीक है ना। मगर ये भी सोसाइटी की आदत थी कि सामने वाला ऑफेंडेड ना हो जाए तो राम राम नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो ये थी कि इंडिया लीडर नहीं बन रहा था, इंडिया गुरु नहीं बन रहा था, बिकॉज इंडियंस वर अफ्रेड। पिछले 700-800 साल से डिफरेंट आइडियोलॉजीज ने इनको आके अटैक किया, इनको जो है कहा कि ये किसी लायक नहीं है, किसी ने पेगन कहा, किसी ने कहा ये पॉलिटिकली इनकैपेबल है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि वी आर दे कैन नॉट इकोनॉमिकली ग्रो, ये कुछ नहीं। सब ने कम्युनिस्ट से लेकर के अब्राहमिक फेथ से लेकर के वेस्ट की पॉलिटिकल, सब ने इंडिया को डिमोनाइज किया, अपनी किताबों में डिमोनाइज किया। आप मेरी जर्मनी की फ्रेंड थी, वो वहां की किताबों में इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में बताया जाता था बिना अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। हमारे यहाँ न तो कभी इस्लाम के अगेंस्ट में लिखा गया किताबों में, न क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में लिखा गया किताबों में, न किसी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में लिखा गया किताबों में। उसका एक ये फायदा हमें मिलता है कि जब हम जर्मनी जाते हैं तो हमें जर्मनी से नफरत नहीं होती। अगर हमारे दिमाग में नफरत भर दी जाती कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, परहैप्स वी वुड हैव आल्सो रिएक्टेड द सेम वे। तो ये जो जहनसाजी इतनी खुली रहती है ना इंडिया की, वो किसी की बुराई नहीं करता। आप उसको बुराई कर करके मर जाइए, आप उसको कहेंगे ये तो घटिया लोग हैं, फिर भी वो आपकी बुराई नहीं करेगा, वो खुद को डिफेंड तो जरूर करेगा, बट वो कभी किसी थ्योरी की आइडियोलॉजी की बुराई नहीं करता, सबको भला कहता है, सबको भला कहता है वो। सो पॉइंट ये कि ये जो है ना डाइवर्सिटी,
दैट इज द एसेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी इंटरनल. ये अब इंडिया जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस आ चुका है उसमें दैट वी आर नॉट बैड, आवर आइडियोलॉजी इज नॉट बैड, आवर हिस्ट्री इज नॉट बैड, आवर आइडेंटिटी इज नॉट बैड, एंड वी हैव समथिंग टू गिव, एंड देन इंडिया इज टॉकिंग. बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपने किया और बहुत सी आपने जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो खास तौर पर आइडियोलॉजीज हैं उस पे भी आपने उसको एक्सप्लेन किया कि क्या रीजंस हैं और जो सक्सेस है इस वक्त वो क्यों है उसको भी आपने बयान किया. तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू आलिया जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक्स. इट्स एन ऑनर. थैंक यू.